सबसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी ये याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे और कई टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो, अगर आपको लगता होगा तो मैंने राज्य मंत्री को कहा हर रोड पर घूमो और मैं भी घूमूंगा। कल मैं अच्छा काम मैंने देखा, तमिलनाडु में था, त्रिचनापल्ली में, वहाँ से कुंभकर्णम में गया था और पटेल इंजीनियरिंग ने काम किया था। मैंने अभी यादव जी को कहा, मैं वो रोड पर कम से कम 15-20 किलोमीटर गया, इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा और जो बुरा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। तो आप देखो आपको कौन से मार्ग पे जाना है। पर आज NHI ने देश के विकास में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते पर्यावरण की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो एक पेड़ माँ के नाम, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कल्पना दी। मैं 97 में महाराष्ट्र में मंत्री था तो ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक सुंदर सिटी है पर्थ, और पर्थ सिटी में 500 हेक्टर पर एक गार्डन है बड़ा। उस गार्डन में ये जैसे ब्रिज दिख रहे इसके ऊपर के बड़े बड़े पेड़ है और पेड़ के बाजू में नाम लिखा है जिसके पिताजी माताजी का देहांत हुआ, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ, उनके स्मरणार्थ उस परिवार ने वो पेड़ लगाया। और वो ऐसे करके पूरे हजारों पेड़ का एक जंगल माँ के नाम पिता के नाम उन्होंने बनाया था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कल्पना दी है, हम लोग भी भावनात्मक रूप से अपनी माँ के नाम से हर पेड़ को लगाए। और NHI के हमारे आरओ पीडी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पेड़ काटिए मत, ट्रांसप्लांट करिए, ट्रांसप्लांट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार करिए, कंपटीशन करिए ताकि कम कॉस्ट में होगा। पेड़ काटना ये इतना हानिकारक है कि पेड़ काटना ये जीव हानि है और इसलिए आने वाले समय में ट्रांसप्लांटेशन करने में NHI ने 78,000 पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन किया है, 4 करोड़ 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए हैं और उसको ई टैग किया है। और अब आने वाला हर पेड़ ई टैग होगा तो पब्लिक डोमेन में कोई पत्रकार अगर देखना चाहता है
तो कौन से रोड पर कितने पेड़ लगे हैं, कितने जिंदे हैं, उसका रिकॉर्ड भी पब्लिक को मिलेगा। और ये सब बढ़ती हुए पेड़ों की संख्या हमारे वायु प्रदूषण को मुक्ति देगी और दिल्ली और दिल्ली NCR प्रदूषण से मुक्त होगा और पूरे देश के प्रदूषण की लेवल कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े प्रमाण पर ये जो बाम्बू का है, नीम का पेड़ है, ये एब्सॉर्ब करता है। उनने महुआ के पेड़ लगाए, ये रतन जोत मोह साल करंज और टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड है और इसमें से डीजल बनता है। मैंने खुद बनाया और छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने उनको डीजल भेजा था, उसमें अपनी टाटा की गाड़ी सफारी उस डीजल पे चलाई। तो ये उत्पादन देने वाला है, किसी को मेंटेन करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दो, उत्पादन मिलता है तो भले वो ले, ताकि ये जिम्मेदारी NHAI के गले में लटकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेना भी हमारे लिए कठिन होगा। मैं बहुत NHAI चेयरमैन, हमारे अधिकारी सचिव महोदय को और सभी आप अधिकारियों को, इस इनिशिएटिव के लिए आपने बहुत मेहनत की, अच्छी नर्सरी डेवलप की, ये पेड़ आपने लगाया, आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पानी भी है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 600 फीट नीचे पानी है, तो हमने 1000 तालाब मेरे क्षेत्र में महाराष्ट्र में मैंने NHAI के मदद से बनाए फुकट में, वो मिट्टी निकाल कर रोड में लेके गए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। तो जहां पानी की समस्या है वहां हम जल संवर्धन का काम करेंगे और उसके साथ साथ जहां प्रदूषण हो रहा वहां कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारी जो ट्रीज है वो उसको लेकर हमारे पर्यावरण को सुधारेंगे। और एक बहुत अच्छे काम का पर्यावरण के दृष्टि से शुरुआत हुई है, ऐसे अनेक विषयों पर हमारी मिनिस्ट्री लगातार एक्टिव रही है और अनेक निर्णय हम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी इसके तरफ विशेष रूप से प्राधान्य से इस कार्य को निश्चित रूप से प्राधान्य देंगे और ये जो दूषित एक प्रदूषण है जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर जिसका परिणाम हो रहा है उससे मुक्ति देने में ये जो एक पेड़ बाग के नाम इस अभियान को जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने शुरू किया है और आज उनका जन्मदिन है, इसमें वो सब लोग सहयोग करें, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर आपके प्रेम